वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम कुकिंग कर रहे हैं विद ज़मीर। ज़मीर और निहान आज बना रहे हैं दोनों मिलके स्ट्रॉबेरी क्रीम शेक। और ज़मीर ने माशाल्लाह से कटिंग भी स्टार्ट कर दिए। ये हो गई है सारी कटिंग और मैं क्रीम डालती हूं। ओके, अल्लाह से ज़मीर को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली स्वीट चीज़ें बनाना, शेक बनाना। पर मैं इसे किचन में अकेले कभी भी नहीं आने देती हूँ। और अभी ये क्रीम ये बीट कर रहा, दिखाएं ज़मीर। साथ में कटिंग कर ली स्ट्रॉबेरीज की और ये बीट हो रही है क्रीम। नाउ ज़मीर निहान टर्न। देखिए निहान भी था शुरू हो गया है। सही है ना, ये कभी किसी को अकेले काम नहीं करने देता है। जो काम करना है निहान ने साथ साथ करना है। लास्ट में अपना हाथ निहान ने डालना होता है हर काम में। अच्छा जी, हमारी ये क्रीम बीट हो गई है। अभी ज़मीर क्या करने लगे आप? जी मैं शुगर डालने लगा 6 स्पून। ओके, ये ज़मीर ने ना क्रीम बीट करने के चक्कर में मेरे पूरे किचन का हाल बुरा कर दिया। कुकिंग ये साफ किए हुए मेरे बर्तन, ये कप्स, सब चीज़ पे क्रीम्स आ गई है। अब इनका शौक पूरा हो जाएगा और मेरे लिए काम फिर दोबारा बढ़ गया है। ये ना समझिएगा कि इतना ही मिल के अभी भी और भी है, लेकिन इतना ज़्यादा हमने बोला कि वेस्ट नहीं करना। वेरी गुड। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ, हमारे घर में जूसेस की जिम्मेदारी ज़मीन ने उठा रखी है। कोई सा भी जूस बनाना हो तो ये बनाता है, इसे बहुत पसंद है। इनफैक्ट जब छोटा सा था ना ये, तो एक प्रोग्राम आता था, आई डोंट नो मुझे उसका नेम नहीं याद, हम टीवी पे, हम मसाला टीवी पे, तो उसमें श्री आपा कोई आती थी, उनसे इतना ज़मीर को इतनी पसंद थी वो ज़मीर देख देख के जूसेस बनाए। यहाँ तक कि रमज़ान के इतने ईयर्स हो गए, हर बार जूसेस सिर्फ ज़मीर बनाता है रेगुलर। हाँ सपना क्या कहते हैं, हम लोगों का मिल्क और वो डल चुका है शुगर, टाइम टू पुट सम स्ट्रॉबेरीज। और मैंने आइस क्यूब बहुत ही कम निकाल के ग्लास में ही रख दिया अभी से, क्योंकि आइस क्यूब अगर ना इनके हाथ में दे दी तो फिर ये तो पूरी ट्रे डाल देंगे। नो कैप। चलो ये डल गया। अब हम डालते हैं बस इंग्रेडिएंट तकरीब जो कि हमने पहले अर्लियर बीट करी थी। चलें, साथ में डल गई इसके अंदर क्रीम भी, क्रीम प्लस मिल्क प्लस शुगर प्लस आइस क्यूब एंड स्ट्रॉबेरी। तो ये बन जाएगा हमारा कौन सा शेक बन रहा है, स्ट्रॉबेरी क्रीम फ्रीकी शेक। ओके गाइस, हम लोग क्या कहते हैं, एंड आवर लास्ट स्टेप अब बचेगा पुटिंग आइस क्यूब, ऑब्वियस। एंड इफ यू डोंट पुट आइस क्यूब्स यू आर नॉट वर्थी पर्सन टू मेक अ क्रीम शेक और समथिंग। अच्छा ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरी जगह यहाँ पे खाली थी और इसको मैंने कुछ ऐसे यूज़ करना था कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाए और यूज़ मेरी सारी चीज़ें आ जाए। तो देखिए मैंने इसमें यहाँ पे शेल्फ बनवा ली है, अब मेरा सारा इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वो इसमें आ जाता है और बहुत ईजी रहता है पता है काम करने के लिए। और नीचे मैंने ये रख लिए जो मेरे रेगुलर यूसेस के फ्राई पैन्स और दूसरी चीज़ें हैं। चलें फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया, लेट्स सी कैसा बनता है। कलर तो बहुत प्यारा आ गया है, नेचुरल कलर सचमुच इतना अच्छा आता है ना, क्रीमी। निहान आर यू एक्साइटेड फॉर दिस। ये देखें ये शेक हो गया हमारा रेडी और इसका कलर आई थिंक इसमें सही नहीं फील हो रहा होगा, पर वैसे बहुत ही प्यारा पिंकिश कलर आया है। तो ज़मीर के तो आ गए मज़े, क्यों ज़मीर? यस नाउ ट्राई इट। इट्स रियली गुड। मुझे बन गई आपकी। No, चले फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस मैं यहीं ख़त्म करूँगी। ओके okay.
न्यू वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।